बीपी बढ़ने के 10 कारण मैं बता देता हूँ और साथ में निवारण भी बताता हूँ। हम यहाँ लोगों को समाचार भी देते हैं और उपचार भी देते हैं, हम नॉलेज भी देते हैं, उसके भयावह जो स्थितियाँ हैं रोगियों की उसके बारे में अवेयर भी करते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं। केवल समस्याएं नहीं बताते, हम समाधान भी बताते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, जेनेटिक बीपी था भी मैंने बताई, जेनेटिक स्ट्रक्चर में बीपी आ गया वो भी ठीक होगा, उसके लिए उपाय भी बता दिए। पहले एलोपैथी की बंद करो, बीपी ग्रिट और ये मुक्तावटी जो हमने पूरे देश को बताई है, ये मुक्तावटी, ये बीपी ग्रिट, और जिनको नींद तक भी नहीं आती है तो मेधावटी भी दे देते हैं। अब अगला उपाय, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से, तो पित्त बढ़ा हुआ है तो पानी ज़्यादा पिए, वाटरमेलन खाएं, मैंने यहाँ रखा हुआ वाटरमेलन, लौकी का जूस पिए, इसमें थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हैं। बस जिनको आर्थराइटिस है वो जूस ना पीना, वो सूप और सब्जी बना के पी लेना। बीपी बढ़ा हुआ है पित्त बढ़ने से तो लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, सौंफ का पानी, धनिया का पानी और गुलाब की पंखुड़ियों को भिगो दें उसका पानी, ये सब और ये वाटरमेलन का जूस, ये बढ़े हुए पित्त को कम कर देगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगला, किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, क्रिएटिनिन बढ़ने से बीपी बढ़ता है तो गोखरू का पानी पिए, क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। साथ में ही नीम और पीपल के पत्तों का पानी भी पिए, नीम और पीपल के पत्तों का रस पिए, गोखरू पिए और कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहे, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाएगा और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, बीपी बढ़ता है थायराइड के कारण से तो धनिए का पानी पी ले, धनिए का पानी, वैसे तो हमने थायरोग्रिट भी अभी बना दी है और ये पॉइंट भी बताते हैं, ये पॉइंट भी ऐसे ये कर लें और उज्जाई कर लें, सिंहासन कर लें, धनिए का पानी पी लें या थायरोग्रिट ले लें और सिंहासन, उज्जाई और कपालभाति करने से, पॉइंट दबाने से थायराइड भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा, उसको उबाल कर उसका पानी पी लें, लौकी का जूस पी लें, हृदयामृत ले लें, कार्डियोग्रिट ले लें। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, खून गाढ़ा होने से भी बीपी बढ़ता है तो सुबह एक चम्मच प्याज का रस निकाल करके वो पी लें, उसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके पी लें अथवा थोड़ा शहद मिला करके पी लें ठंडे पानी के साथ, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, खून का गाढ़ापन भी ठीक, उससे बीपी बढ़ता है, वो ठीक हो गया। अब किसी किसी को मोटापा के कारण से बीपी बढ़ता है तो मोटापा के लिए गोधन अर्क लें, वो भीतर से बॉडी को सैनिटाइज भी करता है, वो कोरोना से भी बचाता है, कब्ज को दूर करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और मेदो हरबटी भी साथ में ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण रात को ले लिया करें, अश्वगंधा के पत्ते खा लिया करें। और मोटापा के लिए जो अभ्यास हमने बताई भी, वो आज भी बता देंगे, अंत में बताएंगे, वो अभ्यास भी कर लें, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। बीपी नॉर्मल होता है गुस्सा करने से, गुस्सा करने से नहीं, गुस्सा होने से। तो गुस्सा कोई होता है, आपने एक बार देखा होगा, कई बार दिखाया मैंने, तो नकली गुस्सा करने से भी मेरा बीपी भी 160-170 और नीचे का 100 पहुंच गया, नकली गुस्सा करने से 10 सेकेंड के अंदर। तो गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, नकली नाराजगी भी ना दिखाएं, कई बार पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर ऐसे नकली गुस्सा भी करते हैं, तो गुस्सा करने के लिए तो अपने मन पर थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें, जब गुस्सा आए तब क्या पी लेना, ठंडा पानी। थोड़ा ज़्यादा करना है तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे, और फिर बीपी बढ़ता है नुकसान होने से, अपमान होने से, प्रतिशोध से। और इसका उपाय है, श्वासों पर ध्यान करो, जितने श्वास लंबे गहरे होंगे उतना ही मन शांत तो होगा, तनाव से बीपी बढ़ता है। तो ये सारे उपाय आज काफ़ी बताए हैं और ये भुजंगासन और ये शलभासन भी करें ऐसे, और अब बताएंगे हम मर्कटासन, एकदम बीपी नॉर्मल होगा। अरे जटामासी का
सर्पगंधा का, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का पाउडर खाने से बीपी नॉर्मल होता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी और सर्पगंधा, मात्र सर्पगंधा अकेले लेने से कई बार क्या होता है, उससे हार्ट की पल्पिटेशन, कई बार धड़कन कम हो जाती है। इसलिए अकेला सर्पगंधा कभी ना खाएं, एक सावधानी भी बता रहे हैं। इस सर्पगंधा का पौधा भी हमने यहाँ पर है, यहाँ हमने जल निम्ब और ब्राह्मी भी और शंखपुष्पी भी यहाँ पर लगाई हुई है। अब देखो जो है, इसलिए हमने सेफ दवाई बना रखी है, मरकट आसन, ये बहुत जरूरी है। दोनों पैर मोड़ ले, घुटने के पास घुटना, एड़ी के पास एड़ी, पंजे के पास पंजा, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन से ये। और आपको हम बता रहे थे ये मरकट आसन, और मरकट आसन कराते कराते देखो, रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ना हो मूलाधार से सस्रार चक्र तक। ये एलोपैथी वालों को तो ये बात समझ में नहीं आती, जो सो कॉल्ड रिट्रीट इडियट्स हैं। और आजकल तो तबाही मचा रखी है कुछ लोगों ने। देखो, जीवन रक्षक दवाइयों का मैं समर्थक रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से WHO कह रहा है, ICMR कह रहा है, हमारे डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे, भाई एलोपैथी में कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो भी हम प्रोटोकॉल बनाए हैं, ये खाली BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, गैस, एसिडिटी, फीवर, इनको थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए ये दवाइयाँ हैं। इसमें हाय तोबा मत मचाओ। असली जो दवा है वो योग है, आयुर्वेद है, जीवन शैली है। इमरजेंसी के तौर पर दवा खानी है तो खा लो। अरे ऑक्सीजन मुफ्त में परमात्मा ने दे रखे, लंबे लंबे श्वास ले लो। दो नाक, दो दो सिलेंडर परमात्मा ने लगा के भेज रखा है। दो दो पैर परमात्मा ने चलने के लिए दो डॉक्टर दे रखे हैं, दो हाथे दो नर्सेज दे रखी हैं। सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, फिर भी हाय तोबा क्यों मचा के रखते हो। मैं मानता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, दवा, हॉस्पिटल, बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। और भाई दफ़ा किसी का शरीर पूरा हो गया तो कब्रिस्तान में भी, शमशान में भी जगह मिल जाए, लेकिन भाई ये बात बनेगी नहीं जब तक हम अपने आप को संभालेंगे नहीं। मरकट आसन के 3 अभ्यास करते करते हम ये बताना चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से अपने BP को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते। और मैंने क्योर करके यहाँ पर बैठाया हुआ है, ये तो अभी यहाँ आकर के जिनके दवाइयाँ बंद की हैं, जेनेटिक BP, लाइफस्टाइल से जिनको BP था, स्ट्रेस से BP था, ओबिसिटी से BP था, किसी भी कारण से पित्त की बढ़ने से BP था। और अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, जिन्होंने 5-5, 10-10 साल से बंद कर दिया अब दवा। जैसे इस भाई ने तो सबसे पहले जिससे पूछा था, उसने तो, जिसको हम आइस से मसाज कर रहे थे स्पाइन की जी, उसने तो एलोपैथी शुरू ही नहीं की, जेनेटिक BP खाली प्राणायाम से अच्छा कर लिया। अच्छा स्वामी जी, बड़ा हुआ था यहाँ करके, वो भी नॉर्मल हो गया। स्वामी जी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सी तरह की परेशानी, लेकिन उनको पता चलते चलते बहुत वक्त लग जाता है। तो BP का कोई आदमी शिकार है, उसको BP है, इसका इंडिकेशन कैसे हमें मिलता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें BP हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुसैन भाई आपने। 50% लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि उनको BP है। अब BP वालों को पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंध आसन तो कर सकते हैं आप, कर लो भाई। ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, इसलिए बता रहा हूँ कि ये आसन मत करना, इसकी जगह अनुलोम विलोम कर लेना। तो शीर्षासन और सर्वांगासन में BP बढ़ जाता है, मैंने लाइव दिखाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना करें। और बाकी अब आपको बताता हूँ, देखो जब बात बात में गुस्सा आए, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाएं, जब नींद ना आए, सिर भारी होने लगे, नींद पूरी ना आए, सिर भारी रहने लगे, बात बात में गुस्सा आने लगे और कभी कभी पल्पिटेशन होने लगे, तो समझ लेना BP बढ़ा हुआ हो सकता है। एक तो ये इसका लक्षण है, दूसरा है, अब देखो एक शवासन बता देता हूँ थोड़ा सा। हाथों पर जब सब आसन करें तो अंत में हाथों पैरों को, पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देखें और ढीला छोड़ दें, एक उपाय भी है। घबराहट हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आता हो, बात बात में नाराजगी होती हो, इसका मतलब आपका BP बढ़ा हुआ है। नींद कम आती हो या पूरी अच्छी सी नींद ना आती हो, तो इसका मतलब BP बढ़ा हुआ है। और अंदर स्ट्रेस बढ़ने से भी, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH, एड्रेनल स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल के बढ़ने के साथ साथ एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन सब कम हो जाते हैं, तो भी BP बढ़ जाता है। तो अब इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।